हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज का डेट सबसे पहले बता देते हैं, आज है 9th of May। यह है 3rd एपिसोड ऑफ सिक्किम 2.0। सुबह के बज चुका है 8:34। 7 बजे उठा, अभी नहा धो के रेडी हो गया, बाइक में चेन लूप थोड़ा सा कर दिया, टायर प्रेशर चेक किया, पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन। अभी ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करके निकलना है लाचुंग की ओर। धीरे धीरे जाएंगे, हौले हौले जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलने का डिसीजन लिया। कल मुझे लाचुंग जाना था, लेकिन लाचुंग में कल नहीं गया, आज जा रहा हूँ। वो क्यों, वो आप लास्ट वीडियो देखने से आपको पता चलेगा। राइट नाउ टेम्परेचर इन गैंगटॉक इज 18 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे जा रहे लाचुंग वहाँ पर होगा 12 डिग्री सेल्सियस। सो ये आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये पैकेज में इंक्लूडेड था, आलू पराठा, अचार और चाय। ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। ये है शेनोई रेजिडेंसी। ये मैंने कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, और कल इस होटल के बारे में सब कुछ बताया मैंने। फिर लाचुंग से आके यहीं पे रुकने वाला हूँ। दीदी से बात कर लिया मैंने, जो मेरा ऑनलाइन बुकिंग से जितना मिल रहा था उससे कम ही मिलेगा। जय गुरु, जय गोपाल, लेट्स गो। आज के दिन का शुरुआत करते हैं। इधर से ही चलते हैं। चराई देख रहे हो, खतरनाक चराई है। अरे बापरे, यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए ना एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए। सो नथुला इज राइट, समगो इज राइट, मंगन सीधा लाचुंग 123। लेकिन मेरे मोबाइल में दिखा रहा 117 फ्रॉम होटल, ऐसा क्यों पता नहीं। मंगन यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर, ऐसा कुछ है। ट्रिप मीटर 2 मैंने ज़ीरो कर दिया, अभी तक 759 ऐसा कुछ चला है 2 दिन में, कल तक। और कल का 43 ऐसा कुछ किलोमीटर साइट सीन का ओनली। होटल का बिल मैं बताया नहीं, होटल का 1150, तो डिनर को लेके 1450। 250 रुपये तब भी ठीक ही है, घर का खाना मिला। होमली जो फूड होता है उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन बनाते हैं और फ्रेश बनाते हैं। सिक्किम की लड़कियाँ सुंदर तो है। आ चुका है आज का पहला फॉल्स, आइला BRO। कौन सा फॉल है? बकथंग फॉल्स। ओके, दिस पानी है नहीं यार, पानी नहीं है यहाँ पे, पानी बहुत कम है यहाँ पे। जिप लाइन भी हो रहा है, सिक्किमीज ड्रेस पहन के आप फोटो खिंचा सकते हो। ये सब कल हमने कर लिया है। पे इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, ठीक है चलते हैं। इस रूट में ना आज बहुत सारा वाटरफॉल मिलने वाला है, सबको देखते जाएंगे। सबसे बड़ा है नागा वाटरफॉल, जो ओरिजिनल रोड है उस तरफ से है, लेकिन हम तो शायद नहीं जा पाएंगे अभी, पता नहीं, देखते हैं। अगर होता है तो दिखा देंगे। चुंगथांग में दिखाऊंगा आपको डैम मस्त तरीके से, जिसको तबाही बोलते हैं, तबाही कर दिया फ्लैश फ्लड ने डैम को, आधा डैम गायब, एक ब्रिज है वो भी गायब। फिर दिखाएंगे आपको अमिताभ बच्चन फॉल्स। स्टे ट्यून्ड। अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि बहुत ही मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई साहब। ऐसे शूट करना इतना इजी नहीं है, आपको आज ये व्यूज़ दिखाना है, इसलिए मैं कल रुक गया। जाएंगे, ओ भाई साहब क्या मॉडिफाई किया है, ये स्कॉर्पियो है ना। हाँ, ये रहा ताशी व्यू पॉइंट, यहाँ से आई थिंक लेफ्ट जाना है। We'll be right back.
पे रुक के एक दो फोटो खींच लिया, वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। वो है रास्ता, हम इधर से होके नीचे अभी ढलान हो रहा है, तो मतलब डाइवर्जन आएगा उस पहाड़ के लिए, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। नीचे है तीस्ता रिवर, अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम नॉर्थ सिक्किम में दाखिला कर लेंगे। तो गाड़ी तो नहीं आ रही बस। ओ भाई साहब, हो यस बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। ये एक क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स है। सुंदर तो है, पानी कम है, धीरे धीरे ऐसे बह रहा है, पत्थर के साथ साथ ये बह रहा है और नीचे से जा रहा है। गैंगटॉक से NH10 पकड़ के आए और अभी हम जो चल रहे हैं इसको कहते हैं NH310A। ये पूरा हमें चुंगथांग तक ले जाएगा। अभी तक कोई चेक पोस्ट नहीं आया। रोंगपा लेफ्ट, गैंगटॉक पीछे, मंगन सीधा। यहाँ के घर बहुत सुंदर होते हैं, ये फ्लैग लगा हुआ रहता है और फ्लावर्स। पहाड़ के लोग फूलों को प्यार करते हैं, इसलिए हर जगह लगाते हैं, घर में भी अपना फ्रंट साइड में लगाते हैं। जब पेदोंग में पहुँचा था ना उस दिन, फर्स्ट डे, रात का टाइम था, दोनों तरफ ऐसे फूल लगे हुए थे, क्या खुशबू आ रही थी यार। सेवन सिस्टर फॉल, अच्छा हाँ, इसके बारे में तो सुना था, लेकिन मतलब ये ऊपर से जब आता है 7 स्टेप होके आता है। ओके, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, नीचे एक है 3, बाकी नीचे है, ऊपर भी है। यहाँ पे स्टॉल्स भी है, कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। बहुत देर बाइक चला लिया यार, थोड़ा देर रुकते हैं, उसके बाद चलेंगे, फिर उधर लगाते हैं बाइक को। तो ऐसा है कुछ फॉल्स, 7 सिस्टर फॉल्स, ये वाला जो है ये 3rd है, और नीचे भी जाता है और ऊपर में भी है। थोड़ी देर के लिए रुक गया, बस रेस्ट ले लेते हैं, कुछ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। थोड़ा देर यहाँ पे रुका, हाँ एक फ्रूटी पी लिया। नीचे मिलता है 10 रुपये का, वो यहाँ पे 15 में मिल रहा है। हिल एरिया है तो ये जाहिर है, बहुत टाइम चला लिया, 1 घंटा लगभग हो गया चला लिया बाइक। सो अभी अपडेट ये है कि हाँ यहाँ पे रास्ते का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हाफ एन आवर लगेगा। सब गाड़ी यहाँ पे रुके हुए हैं, मंगन आ गए, बाइक को थोड़ा साइड में लगाते हैं। हाय, आप भी उधर जा रहे हो क्या, लाचुंग जा रहे हो? हाँ, मीन्स यू आर गोइंग टू लाचुंग, यू आर फ्रॉम केरला। हाय अमित, ओके, we hired this in Sikkim only? We hired this from Sikkim. Actually, we had the plan to take a car. Okay, okay. But when we reached here, the climate was like off. So how much the charge for per day? 1,400. यहाँ का एक बार नज़ारा देखना यार, ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्टेप फार्मिंग करके रखा है, ओह नाइस। अभी जब रुका था वहाँ पे 45 मिनट्स जैसा रुका, इसके बाद आया यहाँ से मंगन, और 30 किलोमीटर्स रह गया है। और वहाँ पे 2 केरला के भाई मिले, जो यहाँ पे सिक्किम में आके बाइक रेंट किया, तो सिक्किम का बाइक लेके जा रहे हैं लाचुंग। भाई से बात हो रहा था,
अच्छा लगा बात करके। अब वो कार से जाने वाला था लेकिन दो बंदे थे, बोर हो जाएंगे इसलिए बाइक से चलाया। उन्होंने बोला एक साथ चलते हैं, कल भी एक साथ करेंगे। वो लोग आगे चले गए, मैं थोड़ा सा रुक रुक के जा रहा हूँ, आपको दिखाना भी है, बाइक भी चलाना है। वो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते। रास्ते अभी तक इतना ख़राब नहीं मिला, आसानी से मेंटेन कर पा रहा हूँ। बीच बीच में ऐसे पैचेस आ रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 12:30 बज चुका है। यहाँ से मंगन और एक घंटा जैसा लगेगा। अभी पहले मंगन पहुँचते हैं, वहाँ पे रिफ़िल करना है और पेट्रोल भी ले लेंगे एक्स्ट्रा। मेरे पास 1 लीटर का 2 बोतल है, और 2 बोतल मिल जाता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि आगे पेट्रोल का क्या सीन है पता नहीं। वहाँ पे नहीं मिलता है, ब्लैक में शायद मिल जाएगा लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 120 पर लीटर। अब ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ओ माय गॉड, तीस्ता रिवर देख रहे हो? वो रहा एक ब्रिज मुझे दिखाई दिया। वेलकम टू मंगशिला नॉर्थ सिक्किम। सो दिस इज टिंचिंग 0 पॉइंट, आई वॉन्ट टू रिफ्यूल। उधर लाचुंग में मिल जाएगा पेट्रोल जी? लाचुंग में मतलब ब्लैक में मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, अच्छा नहीं होगा ना। अब डीजल मिल सकता है, पेट्रोल का नहीं मिलता। बाइक ओके ले लो, बॉटल इसमें थोड़ा सा छोड़ के डालिएगा। इस बोतल में पानी है तो पानी भी मत, दूसरा बोतल ले जाना पड़ेगा। ऐसा वाला ये वाला कोका कोला का थ्रो है ना ये? हाँ, ये नहीं चलेगा आपका जो अच्छा। एक मिनट रखो, मैं साइड कर लेता हूँ बाइक को। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर बोतल है उसको लेने नहीं दे रहे, तो इसी में डालना पड़ा। ये जड़ी के 80 रुपीज़ और यहाँ पे लगभग 300 का पेट्रोल आ गया। पहले यहाँ तक डाला था लेकिन गिर जाएगा, इसलिए उनके बाइक में डाल दिया। ये है 2 भाई केरला से। नाउ लेट्स गो। कुछ खाना नहीं खाया अभी मैं, यहाँ पे भूख नहीं है। बिस्किट वगैरह मैं कैरी कर रहा हूँ, अगर रास्ते में भूख लगी तो खा लूँगा। मैं रेन गियर्स भी पहन लिया, बारिश हो रही है, जूते में पॉलिथीन्स बांध रहे हैं ताकि पैर गीला ना हो। मेरा तो नो वरीज, गम्बूट है मेरा। आगे मंगन आएगा, मंगन से फिर नीचे की ओर लेना है। सो हियर वी आर इन मंगन। यहाँ पे पेट्रोल पंप बंद है, मंगन नगर पंचायत। ओके, दिस इज़ द रोड, राइट साइड वाला। भाइयों ने पूछ लिया शायद मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ आज, लेकिन मज़ा आ रहा है। कल जो नहीं आया ना, बहुत बहुत सही किया। मंगन अभी पहुँचा 2 बजे, 4.5 घंटा लग गया मंगन पहुँचने में। धीरे धीरे जा रहे, एक्चुअली ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द रोड, नो देयर इज अ अल्टरनेटिव रोड, आई थिंक सो। मीन्स वी शुड फॉलो द कार्स, दैट वुड बी बेटर। भाई लाचुंग, लाचुंग शिप गियर होके जो जाता है रास्ता इधर से, वो नीचे वाला, इधर तो खराब है ना रास्ता, इधर तो खराब है रास्ता। गाड़ी कहाँ से जाता है? हाँ लेट्स गो दैट साइड।
दिस इज द वे बट आई द ड्राइवर टोल्ड मी दैट पेट्रोल पंप के बगल में जो नीचे से रास्ता जा रहा है वो उसी से जाना है। हाँ चलो इधर से बाइक तो जा सकता है लेकिन उधर के बीच ऐसा है वो सब लकड़ी का अगर गिर जाएगा तो गिर गया। सी दैट ब्रिज इज ब्रोकन सो इट इज मेड ऑफ वुड बट इट्स नॉट प्रॉपर। If you have anyone, you can ask, please. इधर से जाएगा इट्स ओके वी हैव ऑल द डे नो प्रॉब्लम डू वन थिंग वी विल गो Let's go this side. If we face any problem, then we will return. Okay? Let's take some risk. I don't know. Idhar se? Sidha. Acha acha. This is Mangan. Upar bhi ek petrol pump khula hai. Suna tha. Dekh bhi lenge. Ye na thoda sa dirang wala sa feel aa raha hai yaar. पुलिस वाले ने पूछा फ़ोन करके तो बोला कि इधर से छोड़ रहे हैं अभी सो लेट्स टेक ए रिस्क। हम लोग तीन राइडर्स हैं इसलिए रिस्क ले रहा हूँ अगर दिक्कत हो गया तो घूम के वापस इधर से जाएंगे। एक बार बगीरा को चेकआउट करना कितना मस्त लग रहा है। गाइस दिस इज द सेकेंड पेट्रोल पंप मंगन आफ्टर दिस देयर इज नो पेट्रोल पंप। यार वो रह गया पीछे। हाँ इज कमिंग Oh, picture. एक बार वो वाला घर देखना कितना सही आ रहा है यार। भाई साहब ये है मियांचू नाला ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे से जा रहा है। ओह माय गॉड ऑसम फील यार। भाई ने अच्छा खासा रिकॉर्ड कर लिया गोप्रो से। मैंने कहा कि मेरा जो क्लिप है मेरा जो पार्ट है वो मैं ले लूँगा। अभी अभी मैंने वहाँ से देखा वहाँ पे एक झरने का पानी निकल के आ रहा है और एक नाला जैसा यहाँ से निकल के नीचे आ रहा है। क्या खूबसूरत लग रहा था उस स्पॉट से यार लेकिन वहाँ पर रुक नहीं पाया। वेलकम टू नागा विलेज गाइज। ये नागा विलेज है और यहाँ की खूबसूरती देखो यार। ओ ब्यूटिफुल दोनों तरफ पहाड़ है बीच में एक विलेज। ये नागा फॉल्स है यहीं पे ब्रिज का काम चल रहा था। एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ से पहले तो इस रोड का लेंगे। यह रोड तो भयानक है। ओह मैन हाउ वुड यू क्रॉस।
इट्स टू डीप। पुल पुल वेट 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 लेट मी स्टीयर मोर या इट्स ओके इट्स ओके। जा तो सकते हैं यार लेकिन गिरने का डर है। इसको क्रॉस कर लिया तो हो गया। फ्लो भी बहुत ज्यादा है। नहीं फ्लो है, फ्लो फोर्स है। ये देखो ना फोर्स है, इधर ज्यादा फोर्स है। हाँ उधर के उधर में फ्लो ज्यादा है। ये ब्रिज ज्यादा है गायब। ये डैम का हालत था आप देख सकते हो। फॉरगॉट द नेम, दिस इज अमिताभ बच्चन फॉल्स। कितना मस्त व्यू आ रहा है, देख लो कितना ऊपर से गिर रहा है।